हल्के शिमली चंदन गुट्टे के इलाके हाफिज बाबा नगर उमर कॉलोनी में SW ड्रेन की तामीर जदीद के लिए बल्दिया के कॉन्ट्रैक्टर ने 20 दिन कबल खुदवाई के बाद इस काम को अधूरा छोड़कर लापता हो गए, जिसकी वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुकामी अवाम का घरों से बाहर निकलना, किसी काम से बाहर जाना और वापस आना, बिलखसूस नमाज के लिए मस्जिद को जाना भी एक मुश्किल मसला बन गया है। ज़ईफ अफराद, मासूम बच्चे और ख्वातीन इस ज़ेरल्तवा नाले की तामीर की वजह से घरों में बंद रहने पर मजबूर हो गए हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि रियासती वजीर बल्दी नजवनस KT रामाराव बुलंदबांग दावे कर रहे थे कि इनकी हुकूमत ने शहर की तरक्की के लिए 67,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन इन्हें पुराने शहर के चंदनगुट्टा उमर कॉलोनी की इस अबतर हालत का पता चलेगा तो इन्हें मालूम होगा कि यहाँ की अवाम किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नाले की खुदाई के बाद गंदा पानी मुसलसिल बह रहा है, जिसकी वजह से इस इलाके में ताफुन फैल गया है। मच्छरों की कसरत से वबाई अमराज का ख़तरा लाहक हो गया है। ऐसा मालूम हो रहा है कि मुतालिका कॉरपोरेटर को अवाम की इस तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं है। कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी निगरानी में जल्द से जल्द नाले की तामीर का काम मुकम्मल करवाएं। मुतालिका बल्दी अहदेदारों पर वो दबाव डाल सकते हैं, लेकिन इन्हें मुबैना तौर पर अपने ज़ाती कामों से फुर्सत नहीं मिलती। जहाँ कमीशन मिलता है वो काम दिलचस्पी से अंजाम दिया जाता है। मुकामी अवाम का कहना है कि इस गली में बरखी ट्रांसफार्मर भी नाले के किनारे नसब है। अगर नाले की तामीर में मजीद ताखीर की गई और नेत बारिश हो गई तो बरखी ट्रांसफार्मर मुनहदिम भी हो सकता है। मुकामी लोगों को अपनी गाड़ियाँ दूर रख कर नाले के किनारे से एहतियात के साथ अपने मकानात को जाना पड़ रहा है। इस नाले से पीने के पानी के नल कनेक्शन के पाइप गुजरते हैं। नाले का गंदा पानी किसी भी वक्त पीने के पानी की पाइपलाइन में मिल सकता है। आलूदा पानी पीने से लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। मुकामी अवाम ने मुतालिका बल्दी अहदेदारों से नुमाइंदगी की, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अवाम ने कहा कि अगर वो 3 रोज़ में कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू नहीं किया तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे। इस खसूस में हमारे नुमाइंदे अब्दुल मुकर्रम ने यहाँ का तफसीली जायजा लिया और अवाम से बात की। अच्छा, मस्जिद है यहाँ पर, नमाजी नहीं आ पा रहे, 2 महीने खोद के डाल दिए, ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला। क्या मामला है? इधर से आप बनाओ, इधर को पतली चूड़ी आना, ये बारीक सीढ़ी है। अच्छा, नमाज के लिए आना है तो सीढ़ियों के रास्ते से आना, ये पतला पत्ता रहे ये लापरवाही जैसे कॉन्ट्रैक्टर की है, किसके हिसाब से ये कौन सा डिवीजन है साहब? ये 2 महीने से यही हाल है। ये डिवीजन कौन सा है? हिजबिलाक है। एरिया बोलिए। कॉर्पोरेटर एरिया तो यही है, वहाँ भाई का है ना, ये वहाँ भाई का है। आप देखो, थोड़ा थोड़ा करके पूरा चल जा रहा है, सीढ़ियाँ पूरे निकल जा रहे, वो सीढ़ियाँ निकल जा रहे, पुराने रास्ता निकलते, सुपर घर में से लेडीज निकलते, जेंट्स निकलते, गिर गए करे, कौन जिम्मेदार इसका? वो घर में लोग मौजूद है अभी, पूरे पूरे रह रहे हैं ये घर में। परसों बारिश हुई थी दबा के, तो ये डिब्बा झड़ गया, देखो अभी सामने का ये पूरा झड़ गया। खुदा ना खास्ता कोई गाड़ियाँ वहाँ पर आके बाजों को नहीं मालूम है, सो आला आदमी पानी आया तो ये लेवल को आता, सीढ़ी का ये लेवल को जाता, गड़ा है क्या, गड़ा मालूम ही ना हो रहा। परसों गाड़ी गिरते गिरते बच गई कार, पूरे लोग जो है तो आवाज दे रहे, रात के 2 बजे रात को बारिश दबा के हो रही है। एक हफ्ता पहले की बात है,
बारिश दबा के हो रही, कार वाला वहाँ से भगा ले जा रहा, रस्सी तो नीचे उतरता था अगर हम लोग नहीं ठहरते तो, और रस्सियाँ बन के हम लोग जो है सो ऐसा रास्ता बन करे, उधर से काम चल रहा है यहाँ पर, अच्छा काम चल रहा है ना, बारिश हुई तो ये रस्ते में बहुत दबा के बारिश होती तो ये पूरा नाला बन के जाता है यहाँ से, कोई जो है सो यहाँ काम चल रहा है बोलिए कोई बोर्ड भी नहीं लगाए, बोर्ड नहीं लगाए कैसा मालूम होना लोगों को, नया आदमी अनजान आदमी आया तो रास्ता ही नहीं समझ में आता यहाँ पर, तो इसकी वजह से जो है सो अच्छी तकलीफ हो जा रही है, तो अगर गिर गया पड़ गया मर गया कौन जिम्मेदार, छोटे छोटे बच्चे भाई खेलने के वास्ते करते बच्चे जो है सो आते नमाजों को भी आते बच्चे, आने के बाद वहां से वहां कूद रहे उधर वो कोने से ये कूदे, बच्चों को क्या मालूम यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम, वो कोने से ये कोने कूद रहे, खुदा ना खास्ता गिर गया तो कौन जिम्मेदार, शीखा ऐसे निकले हुए उसके किसी को मालूम ना होता, शीखा अगर घुस गए पेट के अंदर ये खोद के छोड़ दिए वहां पर खोद दिए, वो तो ये कम से ही नहीं है, काम अगर नहीं होने का था तो नहीं चालू करना था, सुने नहीं ये कब से सब ये ओपन नाला, एक महीना वाला खोद के ही क्यों खुदा गया यहाँ पर, ये पानी फुल जाता है, एक फीट पानी जाता है, एक फीट पानी जाता, अच्छा बारिश के वक्त पानी आया जी, तब ये बंद नहीं करे इसको, बंद नहीं करे मजी के पास खोदे हुए जी, वो दो महीने वाला हो तो ये आप लोगों को तकलीफ हो रही है इससे, हमारे तो सब कुछ तकलीफ हो रही है, मेन रोड है आने जाने की जो है, अब साधक मई के पास तो जो है अपने मुसलमान गुतियार साहब लिए, उनको तो काम समझ में नहीं आ रहा, के नाम मालूम है उनका, नाम नहीं मालूम मेरे को जी, उन्होंने आते है 8 दिन को 15 दिन को चल जाते, कल आके जो पाइप लाइन बिठाए काम चालू हो रहा बोल के बोले, कब चालू होता नहीं मालूम, समझे ना, गुतियार साहब सुलो है, गुतियार साहब काम नहीं करते, ये कौन सा एरिया आता है, ये अपना बापनगर है, हेज ब्लॉक है, हेज ब्लॉक ये साधक जहरुद्दीन मस्जिद है सामने की, सामने मस्जिद है साधक जहरुद्दीन मस्जिद, अभी मस्जिद वालों को भी तकलीफ हो रही, यानी मुसल्लियों को नमाज पढ़ने के लिए तकलीफ हो रही है, एक महीना हो गया अगर दाल के लिए, एक महीने से अब तक दालें उठा रहे हैं, बच्चों को एलर्जी हो रही है, बच्चों को बीमारियां आ रही है, हमको बीमारियां आ रही है, बच्चों को चलने कैसे चलेंगे आप खुद सोचो, ये बोलो ये कैसे जाएंगे हम लोग, बोलो घर के सामने इतना कचरा रहे तो इतना मट्टी रहे तो कैसे जाएंगे बोलो, इतने दिनों का खाली आ रहे खाली पैपा एडजस्ट कर रहे चले जा रहे, खाली पैपा एडजस्ट कर रहे चले जा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई भी नहीं जा सक रहे वहां से, कितने का दो आदमी गिरते गिरते बच्चा बेचारा मसाली वहां जब वहां से जाने के वास्ते, तकलीफ हो रही मालूम हम सबको तकलीफ हो रही, वहाँ कितने दिन खुला रखते बच्चे के छोटे छोटे बच्चे मासूम बच्चों को कितने दिन तक पकड़ लेकर रखते बोलो, क्या बोल रहे वो लोग, कुछ भी नहीं बोल रहे हम लोग, आ रहे खाली हाव हाव कर रहे हाव हाव कर रहे मर चले जा रहे, कोई कुछ भी ऐसा एक्शन ले रहे क्या, कोई भी ऐसा कितना बोलना बोलो बोले क्या, तो कम से कम कितना सोचना है यहाँ से अब तक कर रहे सब कुछ, कोई भी नहीं उठा रहे, ये देखो ये बच्चे को देखो आप खुद देखो, ये अगर हम झूठ बोले तो ये बच्चों को देखो एलर्जी देखो पूरा जिसम में अभी पानी ला के करके निकाले, देखो आप कुछ अच्छा देखो ये मट्टी में बच्चे कितने लोग रोकेंगे बच्चों को बोलो, आप पकड़ के रख सकते क्या, कितने दिन कुफलता के रखेंगे बच्चों को, छोटे बच्चे हैं बच्चों को कितना बोल के बीमारी आ जा रही है बच्चों को घूम रहे, पहले दुनिया की बीमारी फिर पहले जो दुनिया की हवाओं की बीमारी में होगा, अभी ऊपर से ये बीमारी हमारे को उठा हुआ तो उठा रही नहीं होगा, दरवाजे वहां लग पगड़ा चबूतरा फोड़ के दाल उतार खा जाए हम तो किरा